नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से कैटरपिलर बुक क्लब में। मैं हूँ किरण सांगवान और आज की कहानी नन्हे मुन्ने के लिए है और नन्हे मुन्ने बच्चों को ये कहानी पसंद आएगी, आशा करती हूँ। आज की कहानी है थर्स्टी क्रो की। थर्स्टी क्रो नहीं, प्यासा कौवा, हिंदी में जो बोल रही हूँ मैं। तो प्यासा कौवा, कौवा, पहले तो कौवे के बारे में सुन लें। देखा होगा ना आपने कैसा होता है, कभी कोशिश करी बनाने की, ड्राइंग करने की? कोशिश तो कर लो। चोंच, पंजे, पर, गर्दन विशेष तरह से होती है, पंख, बना के ज़रूर देखना। और जो कहानी मैं सुना रही हूँ ना, इस कहानी को विशेष कर आप ना अपनी पेंसिल लेकर के खूब अच्छे से बना लेना, मे बी कॉमिक की तरह। ऐसे करिए, शायद कॉमिक की स्ट्रिप्स की तरह, नन्नी नन्नी पुस्तकों की तरह कोशिश करिए, मज़ा आएगा। और कहानी ना उनको तस्वीरों में आप सुना लीजिए, लोग देखें और कहें अरे ये तो प्यासे कौवे की कहानी है, बहुत अच्छी बनाई हुई है। ठीक है, तो कहानी ऐसी है, कौवे जो हैं अक्सर हमारे आसपास ही पाए जाते हैं। देखे तो इन्हें इंसानों के आसपास रहना पसंद है, सोचे तो क्यों, मुझे लगता है इन्हें हमारा रहन सहन पसंद है और हमारे यहाँ खाने को बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट चीज़ें मिलती हैं। एक बात ज़रूर आपसे बताना चाहती हूँ, जो कौवा है ना, बहुत 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 समझदार और याददाश्त का पक्का जीव है। कौवे की याददाश्त बहुत अच्छी है, छिपा के कहाँ क्या चीज़ रखे कभी नहीं भूलता। और समझदारी, वाह क्या बात है, समझदारी की तो आप कई बातें इनके बारे में सुनेंगे। जब आप बड़े होते रहेंगे आप कौवे की समझदारी की मिसालें सुनेंगे। तो अब ये कौवे साहब शहरों में ढोल रहे हैं, गर्मी के दिन हैं, बहुत 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 गर्मी है और इन्हें लगी है प्यास। तो क्या करें, एक घर की छत से दूसरे घर की छत पर, एक घर के आंगन से दूसरे घर के आंगन में फुदकता उड़ता हुआ फिर रहा है पानी की तलाश में। कहीं पानी नहीं मिला तो सोचने लगा क्या करूं, मारे प्यास के जान निकल रही है। कुछ ही दूर पर उसे बच्चे खेलते नजर आए, तो उसे लगा जहां बच्चे हैं वहां पानी जरूर मिलेगा। वो उन बच्चों को देखता हुआ उनके आसपास में हल्के से उड़ता हुआ यहां वहां नजर दौड़ाता रहा और यकीनन उसे एक मटकी दिखाई दी। अब उसे देखना यह था कि इस मटकी में पानी है या नहीं। बच्चे खेलते रहे, कौवा चुपके से चुपके से चुपके से जाके उस मटकी पे बैठ गया और इतनी खुशी हुई उसे ये देखकर कि पानी तो है, परंतु क्या करे, पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच सारस की चोंच थोड़ी है जो लंबी सी करके पानी पिए, गिर जाता उसमें अगर जाने की कोशिश करता तो, और बाहर कैसे आता मालूम नहीं। तो फिर क्या हुआ, उसे एक उपाय सूझा, उसने एक कंकड़ उठाकर मटके में डाल दिया, पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ाया, फिर उसने दूसरा कंकड़ पानी में डाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और देखते ही देखते कौवा कंकड़ डालता गया, पानी ऊपर आता गया। एक, दो, दस, बीस, और आखिरकार पानी
मटके की गर्दन तक आ गया और कौवे ने पानी खूब मन से पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर फिर से उड़ गया, जाने कहाँ, किस चीज की तलाश में। किंतु समझदारी देखी आपने, पानी को ऊपर करना है तो पत्थर डालने हैं, उसमें कंकड़ डालने हैं। सोचिए कितने समझदार होते हैं ये कौवे। कैसी लगी कहानी, किसको सुनाओगे? अपने दोस्तों को सुनाना ज़रूर। चलो कहानी अगर नहीं भी सुनाओ तो ड्राइंग ज़रूर करना उसकी, बताना नन्ही नन्ही अपनी तस्वीरों में प्यासे कौवे की कहानी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर अगली बार, नमस्ते।